अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सब लोग यहाँ जोड़े में हैं। कपल? बीवी नहीं हो तुम हमारी। गुस्सा छोड़िए, इज्जत कैसे बचानी है वो सोचिए। यहाँ सबकी निगाह आप पर है। वैसे एक बात कहे, यकीन तो आपको होगा नहीं, लेकिन यहां हम सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए आए हैं। पीछे ही आ रहा है वो हमारे। हाँ हाँ, हमारे पीछे ही ये गाड़ी उनकी। मुझे और रवि को साथ में देखकर घर पे सब भड़क जाएंगे। हाँ, यही तो देखना है ना, और देख के संभालना है, सबको मनाना है, किसको का आपत्ति है वो जानना है। रिश्ता तो ऐसा ही बनता है ना, लुक्का छुपी से नहीं। तुम तो राजीवदा के साथ पार्टी में जाने वाली थी ना, लेकिन हमको लगा आपके पास समय से पहुंचना ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ आने की इच्छा तो कोहू ने व्यक्त की थी और वो ही नहीं आई। बड़ी गैर जिम्मेदार निकली। गांव के कबार से का उम्मीद कीजिएगा, उस पर से वैसी सकल, दिमाग से पैदल। हमको तो चिंता हो रही थी कहीं कोहू की सकल अकल की वजह से आपकी इज्जत पे बट्टा ना लग जाए। हम जानते हैं समाज में आपका का रुतबा है, का इज्जत। अभी अभी दृष्टि लौटी है और दृष्टि आने के साथ दोस्तों के बीच इज्जत खतरे में आ जाना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसीलिए यहां चले आए। सच बात बताएं, सुनने में थोड़ी बुरी लगेगी, वही है कि आपका और कोहू का कोई मेल नहीं, तो अच्छा ही है कि वो घर पर रहे, यहां जबरदस्ती आकर उसका मजाक बने, आपका मजाक उड़े, इका ठीक है। जानवी फिर से घर पर नहीं है। जानवी हमारे साथ है, बस घर पहुंच ही रहे हैं। चाचा जी, जानवी का मामला हल करने के लिए आ ही रहे। हाँ ठीक है, रखते हैं। ठीक है, आ जा। ओके। जज साहब, हमारा अपहरण करने की कोशिश की गई थी, वो सब वो राजन वर्मा के लोग थे। तो भला हो आपके बेटे राजीव का, उसने एन वक्त पर वहाँ पहुँच कर हमको बचा लिया, वरना हम और हमारे नातिन। खैर छोड़िए, हमने उस राजन वर्मा के खिलाफ थाने जाकर केस दर्ज करा दिया है कि अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो उसका जिम्मेदार वो बलात्कारी राजन वर्मा होगा। भानु, एक झंझट और हो गई है। क्या क्या बात हो गई दादा? राजन और तारामती के मामले में अपना राजीव भी शामिल हो गया है। राजन ने तारामती का अपहरण करवाने की कोशिश की, पर राजीव ने बचा लिया उसको। काम तो वैसे नेकी किया उसने, पर हाँ, जाने अनजाने अब राजीव भी इस मामले में। अब क्या,
अब राजन से डरना नहीं है दादा, राजन को डराते हैं। अब उसे बताते हैं कि हम कौन हैं, खुलकर उसके सामने मैदान में उतरते हैं। ठीक है, तो बजाते हैं जंग का बिगुल। चलिए। हम जानते हैं हमारा यहां होना एक झूठ है, लेकिन एक ऐसा झूठ जिसमें आपकी और हमारी जाहिल बहन की भलाई है। माना कि कुह से गलती हुई है, लेकिन झूठ फिर भी झूठ ही है। और भिरत, सच्चाई के लिए या सच्चाई के लिए झूठ हमको नहीं पसंद, अपमान है ये हमारे इन दोस्तों का और कुहू का। और एक बात मत भूलो, हमारे भाई की पत्नी हो तुम। पत्नी थी, अब नहीं है, वो तलाक दे रहे हैं हमको। गलत है संजीव, तुम्हें तलाक दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। गलत तो संजीव जी शुरू से हमारे साथ करते आ रहे हैं। खुद एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी कर ली, अपने आंख से लाचार भाई की शादी कुहू जैसी लड़की से कर पाती? और कुहू कौन सा कम धोखा दी है आपको? उसकी शादी तो गांव में होनी ही नहीं थी, आपकी लाचारी का फायदा उठाकर डाल दी बरमाला आपके गले में। रवि जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये रवि कहाँ चला गया? हमारे पीछे ही थे ना, इन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं फोन ट्राई करती हूँ। हाँ लगाइए ना। लगा। शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे, दोबारा लगाती हूँ। से बाहर छवि कहाँ चला गया? अरे सुनिए तो सही, जन्मी आप बुरा मत मानिए, लेकिन जो इंसान रास्ते में चलते चलते हाथ छोड़ के चला जाए उसका जीवन में आगे कब भरोसा? अरे कुछ नहीं मिलेगा ऐसे इंसान के लिए खून का आंसू बहा के, समझ रही हैं आप? रहने दीजिए, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जानवी समझिए, जानवी तारामती का जो केस है वो खोली नहीं जाएगी जज साहब, क्योंकि अगर वो फाइल खुल गई अगली गोली यहां चलेगी। अंदर का है दुबके बैठे हो दोनों, बाहर आओ।
ये तो राजन वर्मा है, लगता है तारामती के मामले में बात करने आया साहब। यार जस साहब, तुम्हारा पूरा का पूरा खानदान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। पहले तुम सब मिलके हमको करते हो हैरान, और उसके बाद तुम्हारा लड़का राजीव हमको लतियाता है। लो हवा तुम्हारे मामले में राजीव को बीच में मत लाओ। हम किसी को बीच में नहीं लाते हैं। देखो, हम तारामती का केस सुलटाने में लगे हुए हैं और तुम्हारा लड़का बीच में कूद गया है। है कहाँ तुम्हारा राजीव? होगा कहीं, जहाँ भी होगा वहीं से लापता करवाए दे। और सुना है कि तारामती का केस खुलवा रहे हो तुम अपने बेटे राजीव की वजह से। तुम केस खुलवाओ और हम तुम्हारे बेटे राजीव की भाई बंद करवाए देंगे। अभी के अभी राजीव बाबू से बात करना होगा। अब देखिए तो से नैना मिलाई गई दंगल प्ले पर टीवी से पहले।